सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स, जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा प्रबंधन के बारे में, जो कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में मुख्य रूप से शामिल किया गया है और भी महत्वपूर्ण जितनी भी स्कूली शिक्षा से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न। तो सबसे पहले इस विषय में हम जानते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है एवं शैक्षिक प्रशासन एवं उसका कार्य कैसे होता है। सबसे पहले शब्द पे विचार करते हैं शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन या फिर कहें प्रशासन, इसका मतलब है ये इसका संबंध पूरी तरीके से है शिक्षा से। शिक्षा की व्यवस्था, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाना है, इससे तात्पर्य है जितनी भी स्कूलों में उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करना एवं किसी संस्था या संगठन के जो उनके बनाए हुए निश्चित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना। विद्यालय में होने वाले शैक्षिक प्रबंधन में सब शामिल होते हैं, बालक, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी वर्ग, धनराशि, भवन, उपकरण, प्रयोगशाले, ये सब आती हैं। मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित योजनाओं को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित करना, उनका समय समय पर मूल्यांकन करना कि जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं पूरी तरीके से काम हो रही है नहीं, नई नई नीतियों का निर्धारण करना कि जो योजना में जो भी चेंजेस करने हैं उसके अनुसार नई नई नीतियां बनाना और फिर पूरी तरीके से व्यवस्था करना ही मूल रूप से शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। शैक्षिक प्रशासन या फिर कहे प्रबंधन, इसमें जिस शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, जो बच्चे हैं उनका पूर्ण विकास हेतु उन्हें आवश्यक जो भी आवश्यक साधन है या सामग्री है जो उनके विकास हेतु लाभदायक है उन्हें वह उपलब्ध कराना, शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाना, उन नीतियों को निर्धारित करना, उनसे रिलेटेड योजनाएं बनाना शिक्षा संबंधी, और जो भी स्तर है, चाहे प्रारंभिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर है, उन स्तर के अनुसार, उन बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करते रहना। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है उनमें कर्मचारियों उनकी भी नियुक्ति का ध्यान रखना और शर्तें कुछ बनाना, उनको भी प्रशिक्षण देना जो बालकों को पढ़ाएंगे। इस प्रकार से कुछ बातें होती है जो शैक्षिक प्रबंधन में आती है। इसके अलावा जो शिक्षा होती है उनके नवीन उद्देश्यों के बारे में पता लगाना, एक ही एक जो सिलेबस वगैरह होते हैं उनका विषय होता है उसको आधुनिक युग के अनुसार चलाना, अपव्यय करते हैं कुछ निरीक्षक या कर्मचारी, उन अपव्यय का ध्यान रखना, बालकों और शिक्षकों में एडजस्टमेंट समायोजन स्थापित करना, ये कुछ बातें हैं जो शैक्षिक प्रबंधन में ही आती हैं। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु बालकों को अनुकूल पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट उत्पन्न करना, उनमें कोई भी गलत भावनाएं नहीं हो। एक मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर एस एन मुखर्जी, उन्होंने भी एक शिक्षा प्रशासन की परिभाषा दी है।
उनके अनुसार शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है और इसके अंतर्गत व्यक्तियों को मिलजुल कर उत्तम रूप से कार्य करना चाहिए, चाहे उसमें बालक और शिक्षक हो, या शिक्षक या कर्मचारी हो, या शिक्षक या अभिभावक हो, वे सब मिलजुल कर कार्य करें, उस विद्यालय का शैक्षिक प्रबंध उत्तम माना जाता है। एक और प्रबंधक है लूथर गुलिक। उन्होंने शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को एक टर्म दे दी है POSDCORP, जिन्होंने उसमें उन्होंने पूरी तरीके से शामिल कर दिया है पी से प्लानिंग नियोजन करना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन लोगों का, एस स्टाफ जो कर्मचारी वर्ग होते हैं, डी डायरेक्टिंग निर्देशन कैसा, सी कोऑर्डिनेशन हो सभी में अभी जैसे बताया समन्वय हो, ऑर्डर आदेश की पालना हो, रिपोर्ट बने हर कार्य की रिपोर्ट बने, और बी बजट बजट पे जो पूरा प्रबंधन निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से ये जो 8 है ये शामिल होते हैं शैक्षिक प्रबंधन में, जहां इन 8 को प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्डर रिपोर्टिंग बजट इन सब को सुचारू रूप से फॉलो किया जाता है तो वहां का प्रबंधन उत्तम माना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक शिक्षा प्रबंधन व्यवस्था, शिक्षा की शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के लिए की गई व्यवस्था ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वह शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। अब बात करते हैं कुछ शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण लूथर गुलिक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जितने भी विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से पहले विभाजन करना, फिर परिभाषित करना, फिर समन्वित कोऑर्डिनेट करना सम्मिलित होता है। अगली परिभाषा दी है जेबी सीयर्स ने। उनके अनुसार शैक्षिक प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। अगली परिभाषा दी गई है जेडी मुने के अनुसार, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंध कहा जा सकता है। मतलब जो सामान्य उद्देश्य बनाए उनकी प्राप्ति हो जाए तो वो हो गया शैक्षिक प्रबंधन। अगली परिभाषा दी है डिमॉक ने, शैक्षिक प्रबंध का तात्पर्य आवश्यक मानवीय साधन जो भी जरूरतमंद है, सामग्री की अनेक वस्तुओं को दोनों को इस प्रकार क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से जुटाना है जिससे जो हमने लक्ष्य रखे हैं वांछित लक्ष्य उनकी अधिकतम प्राप्ति हो सके। अधिकतम प्राप्ति हो गई मतलब उस जगह का शैक्षिक प्रबंधन उत्तम है। तो इस प्रकार शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है और शैक्षिक प्रबंधन एक तरीके का समन्वयकारी संसाधन है। हमेशा इस शैक्षिक प्रबंधन में किसी प्रकार का भी प्रबंधन हो चाहे शिक्षा चाहे और कोई भी, तो इस प्रकार के प्रबंधन में जो सफलता है वह सामूहिक योगदान पर निर्भर करती है। इसमें यूनिटी होना बहुत जरूरी है। प्रबंधन के बहुत सारे कार्य होते हैं जैसे कि समन्वय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो प्रभावी ढंग से सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो कंट्रोल का भी, नियंत्रण। नियंत्रण जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों की जांच करते रहना, बीच बीच में जो भी कंटिन्यूस लक्ष्य रखे हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हो रही है उनकी जांच करना और कोई मिस्टेक है तो उसे इम्प्रूव करना। इसलिए अगर कंट्रोल चाहिए तो जो कार्य जिस अकॉर्डिंग बनाया है उसको वैसे ही फॉलो किया जाए और उसको टाइम टाइम पर उसकी रिपोर्टिंग की जाए। इसके अलावा स्टाफ, स्टाफ की बहुत जरूरत होती है। जितने जो लोग होंगे जो कर्मचारी वर्ग होगा स्टाफ होगा वो प्रशिक्षित होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए और उनको मेहनती होना चाहिए तभी उतना ही वह कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसके अलावा
होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा होता है प्लानिंग, जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण। जब तक किसी भी शैक्षिक प्रबंधन में प्लानिंग नहीं होगी, किस काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और उसके अनुसार परिणाम नहीं, परिणामों की जांच नहीं की जाएगी, वह शैक्षिक प्रबंधन सफल नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग बहुत जरूरी है, कंट्रोल बहुत जरूरी है, स्टाफ बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बीच बीच में रिपोर्टिंग है उनका बहुत जरूरी है, तभी शैक्षिक प्रबंधन को सफल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण बात की है कि शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है, उसमें क्या क्या तत्व होने जरूरी है, और कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाओं के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे के चैप्टर के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।